लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं और राहुल गांधी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, चुनाव हुए एक माह के करीब होने जा रहा है और सबको पता है और देश की का नब्ज अगर टटोलिए तो मोदी के खिलाफ में था जनमत। और फिर मोदी कैसे आ गए? कहीं ना कहीं वो ब्लैक बॉक्स जो ईवीएम है उसमें हैक किया गया है और जगह जगह पर हैक किया गया है। और निश्चित रूप से जो सवाल है राहुल गांधी जी का वो सही सवाल है और विपक्ष हमेशा सवाल उठाती रही है ईवीएम पर और हमेशा मांग किया है कि वो बैलेट पेपर पर चुनाव हो। जिस देश ने इसका आविष्कार किया ईवीएम का, उस देश को भी विश्वास नहीं है इस ईवीएम पे और वो भी साबित किया कि इसमें हैक किया जा सकता है, तो वो उनके देश में भी बैलेट पेपर ही पर ही चुनाव होता है। आखिर बीजेपी क्यों नहीं चाह रही है कि बैलेट पर? हाँ, वो चाहती है कि हम बने रहें और हमारे हाथ में सत्ता है, शासन है, तंत्र है, तो हम करते रहें, इसलिए नहीं चाहती। एक न एक दिन देश की जनता जगेगी तो इनको खुद यहाँ से भागना पड़ेगा। आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार कई राउंड पीछे चल रहे हैं, तो कैसे हैक, वो हैक करके आगे नहीं बढ़ सकते थे? नहीं नहीं, सुने आप, पता जब गलती करता है आदमी तो पहले अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर साबित करता है और अंत में वो बहादुर बनने लगता है। तो 8 राउंड वो पीछे चले थे, उनको लगा कि अब जाना चाहिए, तब हैक किया, लोग जीत गए। देश का कोई प्रधानमंत्री, देश का, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 8 राउंड पीछे नहीं गया होगा। तो नहीं, निश्चित रूप से जनता ने नकारने का हमेशा काम की है और देश में माहौल था मोदी के खिलाफ में, इसलिए निश्चित रूप से हैक करके और सरकार बनाने का काम किया गया। तो अब जो सत्तारूढ़ दल है वो कह रहे हैं कि जितने विपक्षी लोग हैं, जितने सांसद बने हैं, क्या इस्तीफा दे देंगे यदि हैक हुआ है? तो हैक हुआ ही है, चोरी करने वाला आदमी कुछ सामान चोरी करता है, कुछ सामान चोर छोड़ देता है कुछ साबित करने के लिए कि अगर चोर होता तो सब ले जाता, कहीं ना कहीं घर के लोगों का हाथ है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के लोग कुछ जगह पर विपक्ष को भी जीतने का मौका दिया और बहुत जगह। क्या आप लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं जितने विपक्षी दल? तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, आगे कैसी लड़ाई लड़नी होगी। देश की जनता को भी रोड पर उतरना पड़ेगा तो उतरेगी। एक और सवाल है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं आपके नेता हैं, वो पिछले कई दिनों से आपराधिक बुलेटिन जारी कर रहे हैं और बिहार सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हर घंटे कुछ न कुछ बिहार में अपराध हो रहा है, इसको कैसे? देखिए, अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है बिहार में और हर व्यक्ति, आम आवाम, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। घर से जब आदमी निकलता है तो उसकी पत्नी, या पत्नी निकलती है तो उसका हस्बैंड या बेटा बेटी सशंकित होता है कि माँ मेरी लौटेगी कि नहीं, मेरे पापा लौट पाएंगे कि नहीं, मेरी बहन लौट पाएगी कि नहीं, मेरा भाई लौट पाएगा कि नहीं पाएगा। जिस राज्य में अपराधी मंत्री बनता हो उस राज्य से क्या किया जा सकता है, अपेक्षा क्या किया जा सकता है? कौन अपराधी मंत्री? अब कौन मंत्री है, जांच का विषय है ये। अपराधी को अगर मंत्री आप बनाते हैं, बैंक रोबरर को अगर आप मंत्री बनाते हैं, शूटर को आप मंत्री बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो शूटर की मदद करेगा, वो अपराधी अपराध जगत में जो शामिल है उसका, उसके शागिर्द हैं, उसकी मदद वो करेगा। इसलिए सरकार को भी चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो अपराधी और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, ये आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, ने इन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है बिहार सरकार के वो मंत्री पर जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि बिहार सरकार को चिन्हित करके उन मंत्रियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।